कैसे आप एक दूसरे से मिले एंड देन फिर ये जो सिलसिला चलता रहा और चल भी रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। वेल ऑब्वियसली मैं मेल को मेल के स्टूडियो में मिली, डांस पीपल स्टूडियो, जहाँ पे वो यू नो डांस सिखाते हैं और करते हैं और वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने इनके बहुत सारे पॉपुलर वीडियोस यू नो इंस्टाग्राम पे देखी थी एंड मुझे था कि यू नो मुझे आई वांट टू लर्न डांस फ्रॉम हिम। एंड देन यू नो वो सोचने में ही ऑलमोस्ट 8-9 महीने निकल गए दैट आई वॉन्ट टू अप्रोच हिम। एंड आई थिंक फ्रॉम After 8-9 months, I realized that I think it's too late. Let me only, you know, text him and see, because I was depending on few people to do the job. And finally, I texted him on Insta and said that I want to, you know, learn dance from you, because I didn't know कौन किससे क्या बात करनी होती है. तो I think then when he replied back to me, we decided meeting and to see के मुझे क्या करना है and you know what kind of dance that I'm looking for, like what kind of dance I want to do and That's when we decided to shoot for proper Patola. एक अगर तरीके से बोले तो इन्होंने आपको स्टॉक किया, yes, तो ये कैसा लगा जान के कि सना खान आपको स्टॉक कर रही हैं? अगर ये बात सच होती तो मुझे बहुत खुशी होती कि सना खान मुझे स्टॉक कर रही है, बट द ट्रूथ इज़ दैट वैसा नहीं है। आई थिंक आई एम श्योर कहीं वो एक्सप्लोर फीड में इंस्टाग्राम के मैं आ गया हूँगा पहले बार, तो उन्होंने एक बार वो वीडियो देख लिया, फिर उसके बाद उसके बाद शायद वो स्टॉक करने लगी कि अगला वीडियो। बट बहुत अच्छा महसूस होता है व्हेन यू नो व्हेन यू रियलाइज और फाइंड आउट दैट सना खान इज़ एक्चुअली स्टॉकिंग यू, मुझे तो बहुत खुशी होती है बहुत। ओके सना, नाउ कि एक लड़की की ख्वाहिश होती है यार मेरा बॉयफ्रेंड या फिर मेरा लाइफ पार्टनर आएगा तो उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या फिर वो फर्स्ट टाइम वाला जो होता है ना कि एक बार में देखा, एक बार की नज़र आ और जस्ट प्यार हो गया, सो वैसा कुछ हुआ था कि हाँ डांस करो प्रॉपर पटोला, ओ नाउ आई एम योर पटोला? नहीं एक्चुअली ऐसे कुछ नहीं था, बट जब मैं मेल को फर्स्ट टाइम मिली थी आई फाउंड हिम वेरी अट्रैक्टिव टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक हाँ ही लुक्ड वेरी नाइस, बट ऑब्वियसली जब आप जाते हो तो यू नो मेरा नज़रिया था दैट आई वांट टू लर्न डांस एंड डू दैट, तो फिर आप बोलते हो कि ठीक है लेट्स यू नो आगे बढ़ते हैं डांस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम। आई वाज अट्रैक्टेड टू यू बट आई फाउंड यू अट्रैक्टिव यू नो। नहीं फाइंडिंग एंड बींग अट्रैक्टेड इज डिफरेंट थिंग यू नो, वो स्लोली प्रोग्रेस हुआ। या आई थॉट लाइक यू वर लाइक वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, नाइस ना, थैंक यू। And then after that, obviously we shot for one video, proper Patola. फिर उसके एक महीने के बाद we decided to do Adhura Loves, and हाँ and उसके बाद then after a month we went out for a casual dinner, है ना? And then after a few more dates we realized that probably we like each other and we should take this thing forward and see how it goes. Yeah, are you so serious? हाँ तो ये था बेसिकली, तो उसके बाद से बट वाइल वी वर शूटिंग वो टाइम पे ऐसे कुछ था नहीं। ओके सो मैं आपको कब लगा कि यार अब कुछ तो मुझे भी हो रहा है लाइक काइंड ऑफ थिंग्स? आई थिंक कभी मौका ही नहीं मिला सोचने का विद सना, थिंग्स आर वेरी आई थिंक वन साइडेड, शी ओन्स द रूम अप देन शी ओन्स द कॉन्वर्जेशन अप, तो इतनी बातें ही चल रही थी बातें और उसमें पता ही नहीं चला कि व्हेन वी लैंडेड अप एक्चुअली being in this together, but yeah, that is what exactly happened. I'm not making this up, this is the truth. Ki there was never a moment that I felt that you know I had to stop by, wait back, think about Sana, decide upon something, aisa kuch nahi hua. Everything was just flowing and it still is, so I'm taking it one day at a time along with her, correct? Yeah. Okay, kisne kise sabse pehle propose kiya? ऐसे वैसे जैसे हम जनरली देखते हैं ऐसे प्रपोज करो वैसे वैसे नहीं, बट देन ऑब्वियसली लाइक वी बोथ न्यू दैट वी आर यू नो वी लव ईच अदर एंड हमको था कि यू नो ऐसे पता तो है बट बोलेगा कौन पहले, सो ऑब्वियसली आई थिंक या यू नो प्रपोज मी दैट वे लाइक नॉट वेरी ऑफिशियल या बट देन लेट एटलीस्ट 3 golden words जो होते वो बोला तो तुमने था ना। So I wanted basically to say it first. I didn't want her to say it. So the truth is she tried saying it before me, but I stopped her. I said, don't say anything. Like, I think I know what you're about to say. Like, you know, whenever we used to be together, I always felt like, okay, you know, we'll sit down and we'll be like, we'll say something. And that's how. दिख रहा था बहुत क्लियरली। He's like, you know, yes, that तब मैं जाके बोलती थी बोलने का मन हो रहा है ना। Because the thing is, okay, give me the mic. So basically the idea is that
वो होता है ना कि लाइक यू नो यू नीड लाइक अ गुड ओकेजन टू हैव लाइक अ स्पेशल टॉक एंड ऐसा रहता ही नहीं था कि लाइक आई वॉज ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन या कुछ भी तो आई थॉट यू नो लाइक मे बी एट अ टाइम और अ प्लेस वे वी आर मे बी मेंट टू शेयर दिस गोल्डन वर्ड्स मे बी वी विल सो वी वेटेड एंड देन प्रॉब्ली इट इवेंचुअली हैपेंड करेक्ट या हम उस मोमेंट को क्या हम फिर से उसके साक्षी बन सकते हैं लाइक नहीं मेरी हंसी छूट जाएगी बिल्कुल नाउ आई लुक एट सना आई ओनली फील लाइक लाफिंग एंड स्माइलिंग आई कैन नॉट लुक इनटू हर आईज एंड कन्फाइड इन देम एंड से समथिंग वेरी रोमांटिक स्पेशली इन फ्रंट ऑफ कैमरा नो चांस शी इज द एक्टर शी कैन डू इट आई कांट राइट आई थिंक सना से हो जाएगा सना लेट्स डू इट क्योंकि हर बार लड़के ही करते हैं यार लड़कियां भी करें व्हाई नॉट नहीं एक्चुअली लड़कियां ही करती हैं हमारे केस में भी हाँ ऐसा इट्स अ मिथ यार कोई लड़के नहीं करते जैसे ही हम जानबूझ के बोला जाता है लड़के प्रपोज करते हैं वो हाँ करते हैं शायद शादी के लिए करते होंगे बट आई थिंक व्हेन यू कैजुअली वांट टू आस्क अ गर्ल आउट मैंने तो बहुत नोटिस किया कि लाइक यू नो गर्ल्स ऑल्सो आर प्रीटी फॉरवर्ड यार इट इज़ नो मोर अ गर्ल गाय थिंग आई थिंक सब लोग feelings for someone you can always ask them out no yeah. you don't have to think about your gender oh main kyun pehle puchun because I'm a girl I think if you feel that you should just go ahead sana ko dekh ke jo gana aapke dimag mein aata hai wo kaun sa hai I think sabse zyada to mujhe mere naam tu yaad aata hai I think I really like the song mere naam tu from the film zero and I think that sort of plays when I look at sana also because we watched the movie together so it was really good to watch Shahrukh do it And I love that song, especially everything about it. The lyrics are very good and I really feel for it. And I think I connect. There are more songs, but then, you know, actually for somebody like Sana, a song like Taki Taki plays. Obviously, मेरे भी दिमाग में बहुत सारे गाने आते हैं, but I think एक गाना जो सबसे ज़्यादा आता है वो ये तुम जो आए ज़िंदगी में बात बन गई. First time, कहाँ गए डेट के लिए? First time, I think we were in Dubai. Yeah. So I think we had a very nice time in Dubai and we were chilling. So we don't remember exactly where we went for our date as such because we had like a lot of friends along. So we kept like, yeah. We were going out anyway. We were going out every time, yeah. It was not like a dinner date types. Like, you know, we never went for a candlelight to create a moment. We were there and we also had people and company. So it was fun chilling with everybody. हम लोग सब लोग के साथ घूम रहे थे बेसिकली बहुत अच्छा बहुत अच्छे डेट्स हुए लेकिन याद नहीं आ रहा है विच प्लेस स्पेसिफिकली या या मेलविंस की तरफ से आपके लिए अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या था नहीं नहीं ये तो फैक्ट है बहुत क्लीशे लगेगा बट ऑफ कोर्स मेलविन खुद एक गिफ्ट है मेरे लिए एंड आई थिंक कभी कभी यू नो ऑफ कोर्स हम हर लड़कियों को गिफ्ट्स पसंद है बट कभी कभी यू नो जब आपको एक राइट इंसान मिल जाता है अपने लाइफ में तो आई थिंक जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों का वैल्यू होता है वो कम हो जाता है बट ऑब्वियसली आई लाइक वट एवर मेलविन गिव्स मी यू नो इवन इफ ही टेक्स मी आउट फॉर अ कैजुअल डिनर आई एंजॉय इट सो आई थिंक तो whenever so listen so whenever I've gifted Sana listen to me so whenever I've gifted Sana I've always written a special card and there'll be like a few words so she will dig that मतलब she will not be like about the gift so the gift will be lying somewhere else she'll be sitting with the card reading all my words so I think she's somebody who is not into like okay what do I like what do I don't like but she's really fond of how you express and what you express to her so I think when it comes to me expressing to her she really enjoys unko mere sare words bahut pasand aate hain jo bhi main likhta hu unke liye card pe wo card bahut sambhal ke rakhti hai gift kahin aur pada hota hai hamesha aisa hua hai sabse zyada masti khor kaun hai mel bahut masti khor hai aise dikhte bahut shant hai but bahut 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 masti karta hai पर आई थिंक वो थोड़े से सबके साथ ओपन अप नहीं होते तो शायद बहुत लोगों को उनका वो साइड दिखता नहीं है मैं सबके साथ ओपन अप होता हूँ इनके सामने नहीं होता हूँ नॉनसेंस सच में जिद्दी कौन है मेल मैं बहुत जिद्दी है मैं जानती हूँ मैं एकदम ऐसे इजी गोइंग अच्छा ठीक है चलो ले जाने कौन सबसे ज्यादा किसको परेशान करता है लाइक कि मुझे अगर इस प्लेस में नहीं जाना है और मेरा मन है तो भाई मुझे जाना ही जाना है सो इस तरह की ऐसे टॉपिक पे तो कभी हमारा होता नहीं है ना मतलब अगर मेल को कहीं जाना है तो मैं भी वहां चले जाती हूं मुझे कहीं जाना है आई थिंक वहां पे ना कंपैटिबिलिटी मैच एकदम 100 है बिकॉज़ व्हेन वी गो आउट व्हेन वी डिसाइड ऑन अ प्लेस इट्स ऑलवेज म्यूचुअल आज तक मतलब टच वुड इट्स वी गोइंग टुगेदर वी सिटिंग देयर हैविंग आवर टाइम instead of you know thinking के कौन सी जगह जाना है ये मेरी favorite जगह है because eventually आप कोई भी जगह पर चले जाओ जो time होता है वो आपके बीच में ही होता है so I think वो चीज़ को हम हमेशा ध्यान में रखते हैं इसलिए कौन सी जगह जाना है really never like it doesn't matter सना का favorite color क्या है she likes yellow a lot सना Mel likes black
favorite food? She likes dal ghosh a lot, yaar. Like, you know, she likes having mutton and dal together. What do I like? You like chicken biryani. Koi bhi time pe mel kya chahiye, chicken biryani. Favorite place? See, he wants to go to Jerusalem, but then apart from that, he also likes Singapore and Dubai. She wants to go to Beirut, and like Lebanon is her vibe, and she wants to go to Lebanon. Okay, favorite dress? She likes cocktail dresses a lot. Cocktail dresses a lot. Really? Okay. What? You don't have to accept it. I thought that's what she wears all the time, yeah? Yeah, like I like dresses because abhi filhal to it's very hot. So, you know, it's more easy. Mel likes normal t-shirts and jeans. Yehi. Okay, acha, koi aisa word ya koi aisa line hai jo Sana har baat pe bolti hai ya Sana Mel baat pe bolte hai? Sana likes to say you understand again and again. So she will talk to you and she'll ask you, you understand? And then she'll be like, na 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 na, you understand? Mel ka koi specific ek koi aisa word nahi hai. Wo sab words ko use karte hai. Haan, but then with me, it's always I miss you that you see the most. Matlab agar aapne unko like kiya to koi to X factor aapko laga hoga na? He's very humble and he's very well behaved. And I think, you know, जिस तरीके से वो चीज़ों को जिस तरीके से वो अप्रोच करते हैं हर सिचुएशन को और हर इंसान को जो वो मिलते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी नाइस एंड देयर इज सो मेनी लाइक देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम एंड या आई थिंक इज अ वंडरफुल पर्सन ओवरऑल. सना के बहुत सारे मेल फैन फॉलोअर्स हैं एंड इनको काफ़ी लोग बहुत पसंद भी करते हैं, तो आप थोड़े इनसिक्योर होते हो? Nee, yaar, I think fans are very sweet. They really wish you well, and they are the reason why we are here today. So I think it's very nice and very sweet that they like Sana, and I don't see any problem with that. I mean, it's more of a look but don't touch concept. Actually, मैंने मेल के you know female fans देखे हैं ऐसे live सामने एकदम. And they're crazier, trust me. Like, oh my god, man, I can't believe, oh my god, oh my god. Yeah, excuse me. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जब कभी कभी मैं और मेल बाहर जाते हैं, then suddenly people will, you know, अचानक से मेल के सामने आ जाएंगे and then they'll touch his feet and all, girls I'm talking, okay? And they're like, oh my god, you're my guru, and then suddenly they'll start stripping off their shawls and everything to show some moves, and I was like, Mel, if this ever happens in front of me again, I'm gonna beat people up, not you. Actually, see, you just need to move out if people do this. You know, sometimes girls get little carried away and they start doing that. So, ek bar aise hua tha when we had gone aise clubbing, and this girl just suddenly comes in front of Mel and pehle to guru bana le, maine kaha guru bana ke shawl utar ke kaun dance karta hai? Ye kaun sa guru hai, bhai? Because I didn't know what happened. She was there one moment. Sana was standing. And the other moment, I see that she's leaving, and I was like, "What happened?" Like 5 seconds. Yeah, she vanished, and I was like, "What is wrong with you? Where are you going?" I had to run after her, and then yeah, of course, like you know, she was fine. You're not supposed to dance. You're not supposed to talk to people who do all this. Just ignore them. Don't scare my fans, yeah. Don't scare your fans. You're scaring them. We're like, "Oh my God, Sana's there! Don't go there! Don't go there! She's gonna get upset." अच्छा मैं सना को मनाना कितना मुश्किल होता है? आई थिंक इवन व्हेन शी डज गेट छोटी छोटी बातों पे अगर कभी वो नाराज भी होती है तो शी विल जस्ट बी वेरी क्वाइट एंड यू विल सी हर बाउंस बैक आफ्टर फ्यू मिनट्स लाइक 15-20 मिनट्स हाफ एन आवर एंड देन शी विल बी लाइक फाइन अगेन. ओह अभी मेरे को पता चला. आई थिंक आई हैव गॉट अ रिफाइंड वर्जन ऑफ हर. मतलब वो पहले मतलब और भड़कती होंगी पर अभी नहीं होती. आई थिंक शी इज नॉट समबडी. मतलब मेले तो बहुत ईजी होता है इनको मनाना. मतलब आई जस्ट कॉल हर टू टाइम्स एंड देन शी विल बी लाइक फाइन. कभी कभी शील गो ऑफ द नेटवर्क फॉर अ बिट एंड होता है ना 5 मिनट के लिए व्हाट्सएप बंद ये बंद वो बंद बस 5 मिनट्स उसके बाद देन शी इज फाइन. सना खान मेलबर्न कब होने वाली है? आई थिंक उनको लगता ही नहीं कि शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ मी ऑलरेडी. शी हैज कम इन टू माई लाइफ, शी इज टेकन ओवर एवरी थिंग ऑलरेडी. तो आई थिंक ऐसा उल्टा हो गया. आई थिंक मेलबर्न ऑलरेडी इज लाइक टूवर्ड्स एंड अबाउट सना नाउ. एंड आई थिंक सना जस्ट वॉक इन टू माई लाइफ एंड शी इज लाइक जस्ट मूव्ड एवरीथिंग एंड शी जस्ट बीन लाइक ओके व्हाट यू ईटिंग टुडे, व्हाट यू ड्रिंकिंग टुडे, व्हाट यू स्लीपिंग, व्हाट यू स्लीपिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, प्लीज गेट अप, प्लीज गो टू वर्क, दिस दैट. तो आई थिंक इट्स प्रीटी मच या देयर ऑलरेडी इन हैबिट्स. But let's see, you never know.